बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल डोसा, जो हम दाल के साथ बनाएंगे। चलिए हम बगैर देर के इसकी रेसिपी की जानी बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास चना की दाल थी और मूंग की दाल थी, जिसको हमने 2 घंटे के लिए भगो लिया था। 2 घंटे भगोने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं किस तरीके से हो गई है। अब हम अपनी दाल को मिक्सी के अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन के अजवे शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, देन हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी दाल का मिक्सचर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने इस चीज़ को नोट किया है कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा मोटा है, देन हम इसको अगेन से ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बाउल ले लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ शामिल कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर ग्रेट की हुई कैरेट शामिल कर देंगे। कैरेट शामिल करने के बाद हम इसके अंदर ग्रेट की हुई बंद गोभी और देन कट की हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अब टेस्ट को मजीद इन्हेंस करने के लिए हम इसके अंदर मेयोनीज़ शामिल कर देंगे। मेयोनीज़ शामिल करने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। हल्का सा दोस्तों हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और देन हम इन तमाम वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप इस मिक्सचर को किसी सैंडविच के ऊपर लगाकर भी खा सकते हैं, ये बहुत यम्मी और बहुत डिलीशियस लगने वाला है। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। अब मैं पैन को ऑयल के साथ ग्रीस करूँगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और इसको ब्रश की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम अपनी दाल का मिक्सचर लेंगे और देन इसको हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और देन हम इसकी गुलाई कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप इसका कितना साइज रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने अभी वेजिटेबल्स की फिलिंग लगाई है उसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से दोस्तों हम इसको डोसे के ऊपर फैला देंगे। फ्लेम को दोस्तों हमने बिल्कुल लो मीडियम पे रखना है। फ्लेम को अगर हम तेज करेंगे तो हमारा डोसा जल सकता है। अब हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। चिली फ्लेक्स को छिड़कने के बाद दोस्तों हम कोशिश करेंगे इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर दें। अब हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं स्टेप कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है और यहाँ पर हमारा डोसा इजीली फोल्ड हो चुका है। चले आए हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग मैंने इसकी तिरछी की है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इतनी यम्मी इतनी डिलीशियस रेसिपी बनती है, जिसको डोसा नहीं भी पसंद वो भी डोसे का फैन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ी सी केचप ली है और साथ में थोड़ी सी मायोनीज ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को शामिल करूँगी और ये हमारी बहुत यम्मी सी एक चटनी रेडी हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर वेजिस भी इस्तेमाल हुई है और दाल भी इस्तेमाल हुई है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल मूडीज फूड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आल ये वीडियोस नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह।